आदाब नमस्कार सत में उस्मान सेफ़ी दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी हो जाती हैं जो कहानियाँ लंबे समय तक चर्चाओं में रहती हैं समय चाहे कितना ही बीत जाए लेकिन वो कहानी कभी पुरानी नहीं होती आज जिस कहानी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दरअसल ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन से और यहाँ का एक थाना लगता है कौच इस कहानी पे आएँ उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ दरअसल सेंट्रल जेल फ़तेहगढ़ थी और वहाँ पर एक एसएचओ इंस्पेक्टर थे जिनका नाम डीडीएस राठौर एक बात थी जो उनके मन में लगातार पल रही थी और वो बात बात दिल में थी और दिल से कब दिमाग में चले जाती है पता ही नहीं चलता उसके बाद सोचते सोचते एक दिन उन्हें हार्ट अटैक होता है और वो मर जाते हैं जिस दिन वो मरते हैं पूरा उत्तर प्रदेश खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उन्हें याद करते हैं उस घटना को याद करते हैं सोचते हैं कि काश उस दिन ऐसा ना होता तो आज ये जीवित होते खुद तो चले गए लेकिन उस घटना के साथ साथ जो उनका बेटा जिसका नाम है अजय सिंह आज भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है वो किस्सा वाकई अपने आप में बहुत दर्दनाक है बहुत परेशान करने वाला है उसका कुछ हिस्सा आँखों देखा है तो कुछ हिस्सा कानों सुना है आज उसी पर हम बात करेंगे हमारे साथ हैं डिप्टी एसपी साहब भगवान सिंह सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद क्या हुआ था सर उस दिन अगर हम बात करें कोंच थाने की ये फरवरी 2004 की घटना है सुबह का टाइम था लगभग नौ बज रहे थे एस एच साहब मेरे रूम में आए और उन्होंने कहा यार जल्दी चलो बदमाशों से पब्लिक में गोली चल रही है अनघौरा गांव में तो मैं उठ के जल्दी जल्दी आया देखा तो वहाँ सारा फोर्स तैयार था डी जी सर राठौर साहब सामने चबूतरे बैठे हुए थे मैंने उनसे पूछा कि सर कहाँ चलना है तो टाल मटोल किए बोले नहीं कुछ फिर मैं दस मिनट बाद उनसे पूछा कि सर कहाँ चलना चलिए तो उन्होंने कहा कि आप दो तीन सिपाही ले लो और आप चलो मैं पीछे से बाकी फोर्स से लेके आ रहा हूँ अनघौरा गांव पहुँचना है मेरी बुलेट मोटरसाइकिल थी मैंने बहुत कोशिश की वो स्टार्ट नहीं हुई उन कुछ सिपाहियों से मैंने धक्का लगवाया काफ़ी दूर तक फिर भी स्टार्ट नहीं हुई एक मस्जिद के पास मैकेनिक था मैं सोचा इसको दिखवा लूँ मैकेनिक को बुलवाया और वहीं चाय पीने लगे करीब पंद्रह बीस मिनट बाद खबर आई कि थाने में गोलीबारी हो गई है और इंस्पेक्टर राठौर ने से मुजामत के दौरान दो लोगों को गोली लग गई है उसके बाद जब मैं आता हूं तो देखता हूं वहां पर करीब दो ढाई हजार की भीड़ थाने में घुस आई है लोग पथराव कर रहे हैं फायरिंग हो रही है आगजनी हो रही है ये सब बवाल देख के मैं किसी तरह अपने पीछे की तरफ़ से जाके रूम पे पहुंचता हूं वहाँ से जैकेट वगैरह पहनता हूं पर्स वहीं छूट गया था पहले जल्दी जल्दी में तो वो लेता हूं लौट के आके जैसे आया तो देखा कि वहाँ पर दो लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है पूरी भीड़ भाग चुकी थी जानकारी करने पर पता चला कि जो है थाना कोच में एक दिन पहले झगड़ा होने पे तीन लोगों को बंद किया गया था उन्हीं के छुड़ाने के लिए लोग आए थे इंस्पेक्टर ने मना किया छोड़ने से तो उन्हीं के ऑफिस में उनके साथ मारपीट करने लगे सर अगर हम उसी घटना पे दोबारा लौट कर आते हैं तो उस दिन एक्चुअली जो आपने सुना था लोगों से ये इतनी सी बात जो बिगड़ी थी कि गोली मारने की नौबत आई दो लोग दो की जगह तीन हत्याएं हो जाती हैं ये ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा होती चली गई थी हुआ ये था कि मैंने ये सुना कि जो एस थे उनसे रात में भी लोगों ने फ़ोन पर इनको छोड़ने की बात कही थी तो उन्होंने कहा मैं सुबह छोड़ दूँगा अब वहाँ सपा के नेताओं ने ये प्लानिंग की कि चलिए आज इसको सबक सिखाते हैं इंस्पेक्टर को और वो प्लानिंग करके आए थे कि इसको पीटना है और पंद्रह बीस लोग वहाँ ये सलाह बना के आए और एस एच ओ को ये जो डी डी एस राठौर थे उनको ये पता चल गया था कि लोग ये इस टाइप से आके करने वाले हैं यहाँ लेकिन उनकी गलती ये थी कि स्टाफ में उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि सपा के कुछ गुंडे या नेता आ रहे हैं वो थाने में आके इस टाइप से उपद्रव करने वाले हैं उन्होंने इस घटना को ये रूप दिया कि बदमाशों से पब्लिक में गोली चल रही है ये कह के पूरे फोर्स को तैयार किया फोर्स उस हिसाब से तैयार था कि बदमाशों के पास चलना है और लगभग एक घंटे जब कोई नहीं आया तो फोर्स इधर उधर हो गया कोई कहीं चला गया कोई बैरक में चला गया कोई सुबह के टाइम था नाश्ता करने चला गया इस टाइप से सारा फोर्स इधर उधर हो गया उसी बीच में वो लोग वहाँ आ गए और इंस्पेक्टर से कहे कि इनको छोड़ो तो वो एस साहब के पेशकार को वहीं बुलाया और तीन लोगों के मुचलके पे साइन करा के उनको बाहर निकाल दिया एक शिव कुमार था उसमें उससे कहे मुचल के साइन करो तो उसने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे नहीं। इस पर बात बिगड़ी वो किसी तरीके से हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था नहीं। उसी में गाली गलौज होने लगा बताते हैं और उसके बाद मारपीट शुरू कर दिया इंस्पेक्टर के ऊपर उसको मार के वहीं पर उसी के चैम्बर में ऑफिस में उसको एस एच महोदय को मार के गिरा दिए और जब वो बिल्कुल प्राण घातक हमला कर दिए तो वो रिवॉल्वर चुकी लगाए हुए थे तो यहाँ बाकी पुलिस वाले नहीं थे उस टाइम मौके पर जब ये बवाल होने लगा तो बाकी पुलिस वाले भाग गए कुछ पुलिस वाले जो संतरी पहरा और दफ्तर में मुंशी दीवान थे वही थे जब देखे बहुत बवाल हो रहा तो पूरी पुलिस वाले सही ये है कि जो स्टाफ था वो भाग गया जो लोग ये, ये लड़ाई व्यक्तिगत हो जाती है वो लोग लौट के आए ये पाँच मिनट तीन मिनट के अंदर की घटना थी थाने की ये जब हो गई फायरिंग हो गई उसमें दो लोगों को गोली लग गई वो वहीं गिर गए बाकी लोग भाग गए और यहाँ तक कि जो पुलिस थी वो भी भाग गई अब वो बस बस स्टैंड वहीं बगल में है बीच कस्बे में कोतवाली है तो जब लोगों ने सुना कि थाने में से इस टाइप से सुरेंद्र महेंद्र को एस एच राठौर ने गोली मार दिया तो भीड़ चूंकि बीच कस्बे में कोतवाली थी तो डेढ़ दो हज़ार आदमी वहाँ पर बस स्टैंड के पास अक्सर आठ दस पंद्रह तो बसें ही खड़ी रहती हैं चारों तरफ का ब, कई जगह बस जाती हैं वहाँ से तो भीड़ की जो सवारी थी वो भी आ गई और जो पब्लिक के थे चूँकि वो कुर्मी बिरादरी के थे वहाँ बहुलता है कुर्मियों की एक लगभग अस्सी परसेंट बस्ती है कुर्मियों की तो जो सुना वैसे सब आके घेर लिए हाहाकार मच गया बिल्कुल महाभारत जैसे होता है उस टाइप का वहाँ दृश्य था चारों तरफ आग जनी जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें आग लगी लगा दिए लोग बसों में आग लगा दिए थाने में जो वाहन खड़े थे उनमें आग लगा दिए बुरी तरीके से हाहाकार मजा समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसके बाद जो है इन लोगों ने फिर फायरिंग किया भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उसके बाद भीड़ भग गई भीड़ में सात आठ लोगों को गोली लगी जिसमें से एक सभाद थे उनकी अस्पताल में डेथ पूरे दिन तक कोई फोर्स नहीं आया शाम छः बजे के करीब डीआईजी साहब डीएम साहब और एसएसपी साहब के साथ भारी मात्रा में फोर्स और करीब चालीस से पचास हजार की लगभग भीड़ कोतवाली में फिर जमा हो गई वहाँ वार्ता चलती रही पब्लिक से डीआईजी डीएम साहब ने पब्लिक की बात सुनने के बाद एसएचओ राठौर उनका बेटा वहीं रहता था उसको तीन सिपाहियों को हवालात में बंद कर दिए सर इसमें बेटे का क्या रोल था पूरी इस कहानी में बेटे का कोई रोल नहीं था बेटे कोई रोल नहीं था पब्लिक ने कहा कि उनका बेटा भी था अब वहाँ भीड़ थी लगभग पचास हजार आद जिसको जो बोल दे रहा था कि वो भी था अधिकारियों के ऊपर उस समय बहुत दबाव था पब्लिक कहती थी कि ये भी था फलाना दरोगा था फला सिपाही था उनका बेटा था तो बस सबको पकड़ पकड़ के अधिकारी अंदर कर रहे थे कि बंद कर दे रहे हैं अभी छोड़ देंगे अभी पब्लिक का बहुत बहुत गुस्सा है बहुत आक्रोशित है पब्लिक इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दे रहे हैं अभी छोड़ देंगे दुर्भाग्य ये है कि उसके जो राठौर थे उनके लड़के को भी इसमें नामज़द कर दिए अजय सिंह है जबकि उसका कोई रोल नहीं था पढ़ाई पर... कर रहे थे उस टाइम पे वो शायद बच्चे थे हाँ उस समय वो आया हुआ था वहीं पर चूंकि आवास था वहाँ पर एस एच साहब का तो परिवार वहीं रुका हुआ था तो लोगों को पता चला कि इसका लड़का भी आया हुआ है यहाँ ये, ये नाम है उसको भी नामज़द करा दिए उसकी हाई कोर्ट से बेल नहीं हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और वहाँ से जेल गए तो ये नशे सपा गवर्नमेंट ने एस एच पे लगा दिया और घटना के एक महीने बाद उनको टर्मिनेट कर दिया था एन लगा दिए उनकी बेल वगैरह हुई नहीं थी यहाँ से जेल से ट्रांसफ़र कर दिए झांसी झांसी से हमीरपुर हमीरपुर से फ़तेहगढ़ फ़तेहगढ़ जेल में रहते हुए उनको हार्ट अटैक पड़ा और डी डी एस राठौर साहब की वहीं पर डेथ हो हो गई इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि इसकी सही जांच नहीं हुई विवेचना के नाम पर जिसे नाम जद किया जल्दी, जल्दी जल्दी जो भी था वो करके चार्जशीट लगा दी गई ये नहीं देखा गया एक इसमें कांस्टेबल है राकेश कटियार जो ट्रांसफर पे एक दिन पहले वहाँ से रामपुरा थाना चला गया था अच्छा तो एक वकील साहब से उसकी नाराजगी थी उनका नाम लिखवा दिया उसका नाम लिखवा दिए उसको आजीवन कारावास हो गया एक लालमढ़ी दरोगा जी थे एक वहीं के मुस्तफ़ा करके थे वकील साहब उनके मामले में उन्होंने एफ लगा दिया था अंतिम रिपोर्ट एक मामले में उसकी खिसियाहट में उन्होंने उनको नामजद करा दिया उनको दिखाई भी नहीं पड़ता था लालमाड़ी दरोगा जी को उनको भी यह जीवन कारावास हो गया लोगों ने अपनी व्यक्ति के दुश्मनी निकाली इसमें हाँ चूंकि भीड़ थी और लगभग चालीस हजार आदमी के लोगों के बीच में यह तहरीर लिखी गई जो बोला कि नहीं 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 ये भी दरोगा था उसका भी नाम डाल दिए ये था उसका भी नाम डाल दिए एक्चुअली में घटना ये थी कि उनके साथ मारपीट हुई और उन्होंने जब देखा कि ये पंद्रह लोग मुझे मार रहे हैं तो रिवॉल्वर था उन्होंने अपने बचाव में फायर किया तो दो लोगों गोली लग गई गोली सिर्फ राठौर साहब ने चलाई थी और इसके प्रत्यक्ष दर्शी सारे लोग थे उन्होंने गवाही भी यही दिया कोर्ट में लेकिन जब दोबारा भीड़ फिर घुस आई तो अन्य कांस्टेबल जो थे बचे थाने में उन्होंने और एक दरोगा जी थे उन्होंने उस भीड़ पे थाने को बचाने के लिए फैमिली क्वार्टर में वहाँ फैमिली रहती थी, तो उनको बचाने के लिए बल का प्रयोग किया और तब भीड़ भागी थी वहाँ से अब इसमें एक तरफा उस समय कार्रवाई हुई जैसे ये कहावत है कि पुलिस फंसा देती है लोगों को तो इसमें उल्टा हुआ कि पुलिस को ही फंसा दिया गया सर अगर हम एक बात करें कि जैसे ये गुस्से में आके ये कदम उठाया गया था वो ना गुस्सा करते अगर फ़र्द पर सिग्नेचर कर देते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती उधर इंस्पेक्टर साहब अगर इस बर्दाश्त ही कर लेते क्योंकि उनके साथ जो हाथापाई हुई थी तो उसमें दो लोगों की जान नहीं जाती फिर तीसरा बाद में भीड़ में एक और आदमी मरता है उसके बाद फिर खुद इंस्पेक्टर साहब नहीं ख़त्म होते लगभग कितने परिवार इसमें बर्बाद हुए होंगे दोनों पक्षों के पुलिस और आम आदमियों के हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बात बहुत छोटी थी बर्दाश्त करना चाहिए ये विभाग में तो चलता रहता है भाई अब इसको वो नहीं बनाना चाहिए लेकिन वो पंद्रह बीस लोग थे और अगर ये ना करते तो हो सकता है ये सच राठौर साहब को ये लोग मार देते अब हुआ ये कि ये बात बहुत छोटी थी एक साइन को लेके एक तरीके से मानिए एक्सीडेंटल घटना थी कि वो साइन नहीं किए और मारपीट करने लगे और उनको लगा कि ये लोग मुझे मार देंगे चूँकि वो गिर बताते हैं मारपीट के वहीं पर ज़मीन में गिरा दिए थे बुरी तरीके से मार रहे थे तो उन्होंने फायरिंग कर दिया फायरिंग करने पे दो लोगों को उनकी जान चली गई राठौर एस एच जेल में उनकी डेथ हो गई उनका लड़का आज भी जेल में है दो परिवार जो लोग सुरेंद्र महेंद्र मरे छोटी तो सी बात को लेकर बतंगड़ बना दिए और सबसे भुगतभोगी उसमें यह हुआ कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया जैसे मैं हूँ वो कटियार सिपाही है लालमणी है जिनका कोई भी एक भी परसेंट रोल नहीं है कहीं दूर दूर तक घटना में इन्वॉल्वमेंट नहीं था पूरा जीवन ख़राब हो गया जो तहरीर मिली उसमें मेरा नाम नहीं था चूँकि मैं घटना का समय था ही नहीं बाद में एक उसी जनपद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमा जखौली आते हैं और वो कहते हैं कि इसमें भगवान सिंह का भी नाम डाला जाए दरोगा भगवान सिंह का नाम डालो इसमें तभी मुकदमा लिखा जाएगा तहरीर बदलो और वो तहरीर बदलवा देता है उसके बाद मेरा भी उसमें नाम डाला जाए माँ से आपकी क्या मतलब कोई जाति दुश्मनी थी क्या बात थी सर देखिए वहाँ का वो दबंग नेता था सपा का और नाल पे वो जुआ कराता था इस घटना से करीब दो माह पहले मैंने उसके जहाँ जुआ कराता था, था उस अड्डे पर जाके रेड की थी और रंगे हाथ इनको जुआ खिलाते हुए पकड़ा था जिसमें कई लाख रुपए बरामद हुए थे और लगभग बाईस तेईस लोगों को अरेस्ट किया था तो इनको बहुत बेजती महसूस हुई उसे और इन्होंने मुझसे कहा था कि तुमको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा इस टाइप से वो रंजिस मुझसे मानता था और उसी के रिश्तेदारों के इसमें मतलब ये बवाल में मारे गए बलबे में तो उसको मौका मिल गया उसने मुझे नामजद करा दिया उसके उपरांत जो है इन लोगों को जेल भेज दिया गया मैं बहुत पैरवी अपना किया कि किसी तरीके से इसमें सही जांच हो लेकिन सपा की गवर्नमेंट थी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला था जिस सपा नेता से पहले अधिकारियों से मैं मिला जिससे बोलो कि शासन का बहुत प्रेशर है तुम निर्दोष हो किसी ने कोई मदद नहीं की मेरे नाम से कोई असलाह इशू नहीं हुआ फायरिंग हुई ना तो असलाह के आवंटित हुआ न रवानगी में, में मेरा नाम है जीटी में कहीं आमद रवानगी नहीं है सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था कोर्ट में अठारह गाँवों के बयान हुए सब ने कहा भगवान सिंह थे ही नहीं लेकिन एडीजे डी ने नवंबर 2019 में सभी के साथ मुझे भी सजा आजीवन कारावास की कर दी लगभग नौ माह बाद मेरी जमानत हुई मैं छूट गया और मुझे अभी सितंबर माह में टर्मिनेट कर दिया गया है शासन द्वारा कोई दोष नहीं फिर भी इसमें एक तरह से जबकि ये भी पता चला कि जितने भी गवाह थे किसी भी गवाह ने कोर्ट में गवाही भी देने से मतलब एक बोल दिया था साफ साफ कि आप थे ही नहीं मौके पर और सारे एविडेंस आपके पक्ष में थे जैसे कि ये घटना थी कोंच की शायद इस घटना को कोई भी कभी भी नहीं भूला पाएगा इसमें पुलिस को भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है तो पब्लिक को भी बड़ा नुकसान हुआ था पब्लिक के लोग भी अपने उस गम को कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि उसमें तीन कैजुअल्टी हो जाती हैं और आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों के भी परिवार कही न कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और सबसे बड़ा झटका लगता है डी राठौर को क्योंकि उनका जीवन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था उनका बेटा आज भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है जबकि बेटे का कोई इसमें कोई दोषी नहीं था दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है किसी का दिल दिखाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है आपको सचेत करना है आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जय हिंद जय भारत